हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 12 तक होमवर्क दिया था, जो भी परेशानी प्रॉब्लम है पूछ लो बैठे। करा लिया बच्चे? 11 तक किया है। अच्छा, कोई परेशानी है पूछ लो। 11 तक किया है? क्यों? अच्छा, रिद्धि किया प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम? एक एक दिन की छुट्टी भी हो गया, कर दे तुम वही क्या हो गया। आदित्य भाई किया? आयुष भाई किया? पूछना है भाई, पूछ लिया करो यार। ऐसे अकेले अकेले आदमी से मैं कब तक पूछता रहूंगा? अरे मैं देर तक ना आता फिर प्रॉब्लम आ जाती। चलो चलो बाबू, एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ते हैं, करते हैं। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एनडीपी एट एफसी। ठीक है बाबू, ये मैथ में कोई डायरेक्टली एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट कराएगा? नहीं, पहले क्या कैलकुलेट कराएगा? जीडीपी एट एमपी। अच्छा जी, पढ़ो जी। कहते हैं प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 20, आउटपुट सोल्ड इन यूनिट्स 1250 यूनिट्स, एक्साइज ड्यूटी 5,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 1,000, चेंज इन स्टॉक -500, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 6,000। अच्छा जी, देखते हैं, यहीं पर कर दूं बाबू। सबसे पहले आप वैल्यू एडेड दिखाना शुरू करोगे। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू एडेड निकालना शुरू करोगे, फॉर्मूला लिखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब क्वेश्चन में सेल्स गिवेन है, लेकिन इस बार थोड़े अजीब तरीके से गिवेन है। उसने कहा प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट बेची 20 रुपए में, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और उसने बताया कि टोटल 1250 यूनिट बेची, यानी कि 25,000 रुपये की सेल्स है। समझ में आएगा? एक यूनिट 20 रुपये की बेची और टोटल 1250 यूनिट बेची, तो टोटल 25,000 का सामान बेचा। सेल्स आ गई 25,000। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन है -500 है, -500। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवेन है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, पहले बताया हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं? वैल्यू एडेड किसके बराबर होगा? जीडीपी एट एमपी। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट एफसी। जो कैलकुलेट करता हूँ उसको लेफ्ट हैंड साइड, सिमिलर सेंस वाली टर्म राइट हैंड साइड। जी को एम में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेट, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। बाबू ये रहा 18,500, डैप माइनस कर दो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 1,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही है एनआईटी। बाबू इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? मुझे नहीं पता आपने कभी नाम सुना है कि नहीं, एक्साइज ड्यूटी किसी टाइम पर इंडिया में एक इनडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है ना, वैसे आपको बता देता हूँ, दो वर्ड बोल जाओ, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। तीन वर्ड बोल जाओ, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। कोई भी टैक्स नजर में आ जाए वो सब इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, वैसे कायदे से इनको आज की तारीख में एक्साइज ड्यूटी देना नहीं चाहिए, इंडिया में अबोलिश हो चुकी है, जीएसटी में सबसे हो चुकी है एक्साइज ड्यूटी। पर परेशान करने के लिए दे देते हैं जबरदस्ती बच्चों को। बच्चों को क्या पता, 2017 में खत्म हो गई थी, 1 जुलाई 2017 को एक्साइज ड्यूटी, 2024 चल रहा है, 8 साल बाद भी इनकी चर्चा कर रहे हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए। बस क्या बोलूँ, लेकिन परेशान करना है ना बच्चों को जबरदस्ती, तो परेशान कर रहे हैं। ठीक है लो जी बाबू, मैंने माइनस कर दिया एक्साइज ड्यूटी। बेटा आईटी माइनस सब्सिडी फॉर्मूला लगाओगे, सिर्फ आईटी की देना है, सिर्फ और सिर्फ आईटी। एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी गिवेन या जीरो, तो अब टोटल मिलाकर 6,000 रुपये माइनस करने, माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ रहे हैं आगे। चलो चलो बाबू, एग्जाम्पल नंबर
कहाँ से शुरू करूँ ये बताओ। 12 से करूँ, 13 से करूँ? 13 से कर दूँ, 12 कर लोगे ना? चलो, वरना कल प्रॉब्लम पूछ लेना। 13 से शुरू करते हैं, सिंपल है। 13 तो मन तो बहुत सिंपल है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनडीबी एट एफ सी। पर बाबू ये मेथड डायरेक्टली एनडीबी एट एफ सी नहीं निकलवाएगा, पहले क्या निकलेगा? जीडीबी एट एनपी। अच्छा जी, पढ़ तो बाबू। कहता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की सेल्स गिवेन है। ठीक है जी, तीनों सेक्टर का एनआईटी गिवेन है, ओपनिंग स्टॉक गिवेन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवेन है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन गिवेन है। तीनों सेक्टर के कुछ डेटा गिवेन है मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाबू अगर मुझे टोटल सेल्स चाहिए तो तीनों सेक्टर की टोटल कर लूंगा तो टोटल सेल्स आ जाएगी। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए होगा, तीनों सेक्टर का टोटल कर लूंगा तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा, और तो कुछ मुश्किल नहीं है। चलो जी, करते हैं ट्राई। फॉर्मूला लगा लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो है? वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितनी गिवेन है? 1000, 1500 और 700, 3200। मैंने टोटल सेल्स पुट कर दी 3200। बाबू चेंज इन स्टॉक किसके बराबर होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली मुझे मिल सकता है 300, 750, 250, 1300। कोई दिक्कत तो है? बेटा सेल्स में से मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दी, क्लोजिंग स्टॉक पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं है, पर ओपनिंग स्टॉक है तीनों सेक्टर के, 50, 40 और 20, 110। ठीक है, माइनस कर दूं। कोई दिक्कत तो है? बढ़ाएं बात को आगे। क्या निकालना था मुझे? एनडीबी एट एफ सी ये किसके बराबर आया होगा? वैल्यू एडेड जी डी बी एट एम पी। और वो जी डी बी एट एम पी आपके सामने है, कन्वर्जन करना है एनडीबी डी बी एट एफ सी में, माइनस डेप माइनस एन आई टी। ये भी बाबू 1790 है, डेप्रीसिएशन माइनस करो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 150 रुपये आ गए टोटल, और बाबू एन आई टी भी है 80 रुपये। 150 रुपये ये, 80 रुपये ये, माइनस कर दो, आंसर आपके सामने है जो भी। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। चलो जी, बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। बस इन क्वेश्चन का मुझे इंतजार था, 14 से लेकर 19 तक एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है जी, मैं आज एक या दो करके बताऊंगा, बाकी सब में पहली ट्राई आपको दूंगा। आपसे होगा बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा। ठीक है बाबू, एग्जाम्पल नंबर 14 शुरू करेंगे। एक बार मेरा तरीका देख लेना, आपको अच्छा लगेगा तो वही अडॉप्ट कर लेना। ठीक है बाबू, कहता है सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देर आर ओनली टू फर्म्स ए एंड बी। फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू फर्म बी एंड परचेज गुड्स फॉर 1000। अच्छा जी, कहता है फर्म ए बी को बेचता है 2000 रुपये का और परचेज करता है खुद 1000 रुपये का। अच्छा जी, आगे बढ़ाओ। फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर 2500 एंड हैड अ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 1500। कहता है फर्म बी 2500 रुपये का तो एक्सपोर्ट करती है और डोमेस्टिक सेल्स भी करती है 1500 रुपये का। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ। कहता है कैलकुलेट एनडीबी एट एमपी इफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 200। मुझे क्या निकालना है? एनडीबी एट एमपी। वो लेकिन ये मैथड डायरेक्टली एनडीबी एट एमपी निकाल सकता है? क्या निकाल सकता है? जीडीबी एट एमपी। सभी फर्म के वैल्यू एडेड का टोटल जीडीबी एट एमपी के बराबर होता है, तो सभी फर्म का वैल्यू एडेड का टोटल कर लो। दो ही फर्म दिखाई दे रही है, ए और बी, तो ए और बी का वैल्यू एडेड निकाल लो। चलो सामने देखना बाबू, ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। किसी क्वेश्चन में दो फर्म होंगी, किसी में तीन, किसी में चार। ठीक है, अभी फिलहाल दो फर्म का क्वेश्चन है। ध्यान रखना बेटा, आपको जितनी भी फॉर्म है ना हॉरिजॉन्टली लिखनी है। ठीक है, जितनी भी फॉर्म, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, दो ही फॉर्म थी, मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूं इनको। फॉर्म ए
फॉर्म बी, कोई दिक्कत तो है? वो फॉर्मूला यहीं पर लिखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट काफी सारा स्पेस छोड़कर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही तो आएगा वैल्यू एडेड, यही तो फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखो, स्पेस छोड़ो, माइनस का साइन लगाओ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखो, स्पेस छोड़ो, और फिर लिखना बेटा वैल्यू एडेड। सारे क्वेश्चन का यही मेथड है जब एक से ज्यादा फॉर्म आने लगे। ठीक है, क्वेश्चन की रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना? और अगर कोई चीज डबल साइड पोस्टेड होनी है तो बेटा डबल साइड साथ ही साथ करके चलना। आप सोचते हो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, मुझे याद रहेगा, मैं याद रख लूंगा, आपको याद नहीं आता तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं। ओ, इसने बोला सबसे पहले फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू फर्म बी। फर्म ए ने बी को बेचा 2000 रुपये का। ऐसे ही है, मैं 2000 रुपये ले रहा हूं, अगर करोड़ में भी होता तो मैं यहाँ लिख देता ऊपर फिगर्स इन करोड़, लिखता 2000। फिलहाल तो है ही 2000। ठीक है, इधर देखना बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने लिखा सेल्स टू बी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में बात होता है सेल्स और ठीक है, आपने बी को बेचा कितने रुपए का? 2000 रुपए का। मैंने क्या कहा था, अगर किसी चीज की पोस्टिंग दो जगह होनी है तो वो साथ साथ करनी। भैया आपने बी को बेचा, बी ने आपसे खरीदा भी तो सही, खरीदा भी तो बी ने, तो बाबू यहां लिख दो परचेजेस फ्रॉम ए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बी ने ए से खरीदा है तो बी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों? आपने बी को बेचा है, आपकी सेल्स बी ने ए से खरीदा है, ए की बी की तो परचेसेस है, बी की तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, डबल बोस्टिंग साथ साथ। तो आगे बढ़ाओ बाबू, कहता है एंड परचेज गुड्स फॉर 1000। फर्म ए की बात चल रही थी, फर्म ए ने 2000 रुपये का बी को बेचा और गुड्स खरीदा है 1000 रुपये। इसकी परचेजेस गिवन है, ये नहीं बताया किससे है, पर परचेजेस है, परचेजेस है बेटा 1000 की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? सिंपल बाबू, उसके बाद बी के लिए लिखा गया है कि बी ने एक्सपोर्ट किया है 2500 रुपये का और बी की डोमेस्टिक सेल्स है 1500 रुपये की। एक्सपोर्ट किया 2500 का और बाबू डोमेस्टिक सेल्स है 1500 रुपये की। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का तो पार्ट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो वो सबसे पहले एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं मुझे कि आपने 2500 रुपये के एक्सपोर्ट्स करे और बेटा डोमेस्टिक सेल्स है 1500 रुपये की, कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके? वो वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर लो क्योंकि डेटा इतना सही था जीडी बाय एनपी का। ठीक है, अब मैंने टोटल किया 2000 माइनस 1000, वैल्यू एडेड ऑफ ए इज 1000, 4000 में से 2000 गए, वैल्यू एडेड ऑफ बी इज 2000। जीडीपी एंड एनपी किसके बराबर होता है? अगर इंडिया की सारी फर्म के ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल कर दो तभी तो जीडीपी एंड एनपी आएगा। ठीक है, इंडिया की सारी फर्म, अभी तो कुछ नहीं पता, दो ही फर्म पता है, तो अब जीडीपी एंड एनपी 3000 रुपये आ गया। ठीक है, कन्वर्ट कर दो एनडी बी एट एनपी। क्वेश्चन में कहा था एनडी बी एट एनपी चाहिए, तो वो जीडी बी एट एनपी को एनडी बी एट एनपी बनाने में कितनी देर लगाओगे? सेकंड्स। हियर आर 3000 माइनस करो डेप्रिसिएशन, कितना है? 200। आंसर आपके सामने, सो सिंपल। अगला सो एक सेकंड पूछ कर, एग्जाम्पल नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, सेम लाइन पर है जैसे 14 है। 15 भी मैं खुद करूंगा, 16, 17, 18, 19, इन चारों में पहली ट्राई आपकी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं।
कहता है फ्रॉम ए वाइस फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ रुपीज 500 करोड़, कहता है फर्म ए इनपुट खरीदती है एक्स से 500 करोड़ रुपए का, एंड सेल्स टू कंपनी गुड्स वर्थ रुपीज 1000 करोड़ एंड टू सी गुड्स वर्थ रुपीज 700 करोड़। कहता है बी को बेच देते हैं 1000 करोड़ का और सी को दे देते हैं 700 करोड़ का। अच्छा, फर्म बी बायस फ्रॉम बाय इनपुट वर्थ रुपीज 200 करोड़ एंड सेल्स टू फर्म सी गुड्स वर्थ रुपीज 1500 करोड़ एंड फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 1000 करोड़। कहता बी वाई नाम का एक वाई से इनपुट खरीदता है 200 करोड़ का, सी को बेचता है 1000 करोड़ का और हाउस फिनिश गुड्स बेचता है 2000 करोड़ का हाउस गुड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फर्म सी बायस फ्रॉम सेल इनपुट वर्थ रुपीज 150 करोड़ एंड सेल फिनिश गुड वर्थ रुपीज 4150 करोड़ टू हाउस गुड्स। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी सी एंड जी डी का रेट। तो जी डी का टेम्पी निकालना कितनी देर की बात है, सेकेंड्स। तीनों फर्म की वैल्यू एडेड का टोटल करवा के जी डी का टेम्पी, एक तो जी डी का टेम्पी है। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं क्वेश्चन। अब वो कितनी फर्म है टोटल, तीन फर्म ए तो दिक्कत तो है, फॉर्मूला लगाना। वैल्यू ऑफ आउटपुट काफी सारा स्पेस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन काफी सारा स्पेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो है। क्या थी पहली लाइन, फर्म ए बायस फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ रुपी 500 करोड़। ठीक है, देख लो एक बार दोबारा देख लो। फर्म ए एक्स से इनपुट खरीदते हैं 500 करोड़ का, इधर देखना इनपुट्स मतलब काइंड ऑफ राउंड फिगर, 500 करोड़ का इनपुट खरीदते हो तो हर जगह करोड़ लिखने से बच जाओगे, ऊपर एक ही बार काम निपटाना, फिगर्स इन करोड़्स खत्म काम, हर जगह करोड़ लिखने से बचोगे। ठीक है, इनपुट खरीद लिया 500 करोड़ का, मतलब रॉ मटेरियल खरीद लिया। आगे बढ़ते हैं, कहता है एंड सेल्स टू फर्म बी गुड्स वर्थ रुपी 1000 करोड़ एंड टू सी 700 करोड़। कहता है बी को बेचते हो 1000 करोड़ का, सी को बेचते हो 700 करोड़ का। ठीक है बाबू, लिख देते हैं फटाफट से, सेल्स टू बी सेल्स टू सी, बी को कितने का बेचते हो 1000 करोड़ और सी को कितने का बेचते हो 700 करोड़। कोई दिक्कत तो नहीं, लिख लिया, डबल पोस्टिंग भी होगी। आप बी को बेचते हो, बी खरीदता भी तो आपसे, आप सी को बेचते हो, सी खरीदता भी तो आपसे। तो बाबू मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिख दी परचेजेस फ्रॉम ए, बी भी खरीदता है ए से 1000 करोड़ का और सी भी खरीदता है ए से 700 करोड़ का, डबल पोस्टिंग साथ साथ करके चलना वरना रायता हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अभी तक ओके। चलो जी, बी इनपुट खरीदता है वाई से 200 करोड़, सी को बेचता है 1500 करोड़ और हाउस होल्ड को बेचता है 2000 करोड़। वाई से इनपुट खरीदा है 200 करोड़, सी को बेचा 1500 करोड़, हाउस होल्ड को बेचा 2000 करोड़। देखते बाबू, बी इनपुट खरीदता है 200 करोड़, इनपुट के सामने ही मैंने लिख दिया 200 करोड़, जहां 500 लिखा है उसके सामने ही 200। ठीक है, सी को बेचते हो, सेल्स टू सी, सेल्स टू सी के सामने ही लिख दिया मैंने 1500 करोड़। ठीक है, मैंने मैंने वर्ड ये नहीं लिखा एक ही सेल्स टू सी, मैंने वर्ड लिखा है सेल्स टू सी। अगर ए ने करा है तो ए के सामने, अगर बी ने करा सेल्स टू सी तो बी के सामने, लिखा सेल्स टू सी के सामने ही है। मैंने जानबूझ के इतना स्मार्टली लिखा है कि मैं बार बार लिखने से बचूं, समझ में आ रही है। अब अगर बी ने सी को बेचा है 1000 करोड़ का तो सी ने खरीदा लिखा है किससे, बी ने बेचा ना 1500 करोड़ का सामान, तो सी ने खरीदा भी तो है, तो
बाबू यहाँ पर एक और हेडिंग लिखो, परचेजेस फ्रॉम बी, इसने लीज पे खरीदा 1500 करोड़, कोई दिक्कत तो है, और इसने हाउस होल्ड को भी बेचा 200 करोड़, तो अब मैं यही लिख रहा हूँ सेल्स टू हाउस होल्ड। अभी तक बात ओके, बढ़ाएं बात को आगे। चलो फर्म सी बाइस फ्रॉम जेड, इनपुट वर्थ ₹150 करोड़, सेल फिनिश गुड वर्थ ₹4,150 करोड़ टू हाउस होल्ड। एक तो इनपुट खरीदा 150 करोड़ का, इनपुट के सामने 150 करोड़, और कहता है हाउस होल्ड को बेचा, यही लिखा है ना हाउस होल्ड 4,150 का, बस खत्म क्वेश्चन। वैल्यूएशन निकालना है एनबीसी का और जीडी का टाइम निकल जाएगा, बस कुछ भी नहीं, 17 में से 5 गए, 12, 35 में से 12 गए, 23, 41, 50 में से 23, 50 चले गए, 18, ठीक है, जीडी का टाइम पे निकालना है, कैसे निकलता है? सभी फॉर्म के वैल्यू एडेड का टोटल कर लो तो जीडी का टाइम पे निकल जाएगा, तीनों फॉर्म के वैल्यू एडेड का टोटल कर लो, इट इज 5,300। खत्म, पढ़ाई बात आगे। चलो वो अब पहली कढ़ाई में हमेशा आपको दूंगा हर क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, बस आपसे सी काटनी होगा, बाकी हो सकते हैं। वैल्यू एडेड बाय ईच फॉर्म और टोटल वैल्यू एडेड, ये तो निकल जाएगा, अगर सारी फॉर्म के वैल्यू एडेड निकाल दोगे उसका टोटल करोगे तो टोटल वैल्यू एडेड तो आएगा, सी पार्ट नहीं होगा, सी पार्ट के थर्ड पार्ट में एंटर कर दूंगा, बाकी पढ़ना पढ़ा। अच्छा बहू, मैंने तो, मुझे लगता है मैंने तो एनफ टाइम दिया कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ दोस्त समझो अपने, आओ सामने देखते हैं मैं करता हूँ। होपफुली क्वेश्चन आपने ढंग से रीड कर लिया होगा, टोटल कितनी फॉर्म है ये बता दो, 4, करने का तरीका वही है, और फर्म ए ने ना बहुत सारे लोगों को सामान बेचा है, एक तो सेल्स टू बी, सेल्स टू सी, सेल्स टू हाउस होल्ड, और बेटा कुछ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी है, अनसोल्ड स्टॉक क्या है, अनसोल्ड मतलब चेंजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ऐसा ही है। चलो जी देखते हैं, बी को बेचा 20 करोड़, सी को बेचा 40 करोड़, हाउस होल्ड को बेचा सॉरी 20, 30, 40 और 10 रुपए का अनसोल्ड है, कहते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फॉर्म ए इज एस्यूम टू बी जीरो। अच्छा बी को बेचा 20 करोड़, सी को 30, हाउस होल्ड को 40, अनसोल्ड स्टॉक ठीक है, और कहता है इसके इनपुट 0 मान लो, ठीक है, इधर देखना मुझे बताओ डबल पोस्टिंग कहाँ कहाँ होनी है, मैंने ये कैलकुलेट कर दिया लिख दिया, डबल पोस्टिंग कहाँ कहाँ होनी है, बी और सी में होनी है, बी और सी को बेचा सामान, परचेजेस फ्रॉम ए, भैया आपने बी को बेचा है, बी ने आपसे खरीदा भी तो है, आपने सी को बेचा है, सी ने आपसे खरीदा भी तो है, तो बाबू 20 करोड़ का इसने खरीदा, 30 करोड़ का इसने खरीदा, इससे इतना भी ठीक नहीं हुआ, ये सबने ठीक किया, सबने ठीक किया, फिर क्या दिक्कत थी, सब कुछ ऐसे ही बना, रिवेरी ठीक नहीं हुआ क्यों, क्या दिक्कत थी है? बता बता, अब आ गए समझ। चलो बाबू कहता है बी सेल्स अस आउटपुट वर्थ ₹40 करोड़ टू सी, 60 करोड़ टू डी और 50 करोड़ फाइनल कंजम्पशन के लिए, बेटा फाइनल कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड्स, याद कर लो बेटा फाइनल गुड्स की डेफिनेशन, दो इस्तेमाल होते हैं या कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन हमेशा कौन करता है, हाउस होल्ड्स,
नहीं भी कहा अगर इसने फाइनल प्रोडक्शन पे बेचा तो हाउस रोड को बेच सकता। अच्छा जी, 40 करोड़ का सी को, 60 करोड़ का डी को और 50 करोड़ का हाउस रोड को। बाबू सेल्स टू सी 40 करोड़, सेल्स टू हाउस होल्ड 50 करोड़ और बेटा सेल्स टू डी 60 करोड़। तो दिक्कत तो नहीं, किस किस में डबल होस्टिंग करूं? इधर देखना, जब सी को बेचा आपने वो और जब डी को बेचा वो हाउस होल्ड, तो इस बाबू फर्म थोड़ी है यहाँ पर, वैल्यू एडेड थोड़ी निकलेगा, वैल्यू एडेड तो सिर्फ फर्म का निकलता है ना। ठीक है जी, करो पोस्ट कराओ बाबू, परचेजेस फ्रॉम बी लिखो, परचेजेस फ्रॉम बी, सी ने कितना खरीदा 40 करोड़ और डी ने कितना खरीदा 60 करोड़। ठीक है, आओ जी, सी पर 100 करोड़ का बेचा डी को, 100 करोड़ का हाउस होल्ड को और एक्सपोर्ट करे 100 करोड़ के, तीनों 100 100, डी हाउस होल्ड और एक्सपोर्ट। सी ने डी को बेचा सेल्स टू डी के सामने 100 करोड़, हाउस होल्ड को बेचा हाउस होल्ड के सामने 100 करोड़ और बेटा एक्सपोर्ट करा था। ठीक है, किस में डबल पोस्टिंग करूं? डी में, आपने डी को बेचा 100 करोड़, हाउस होल्ड को बेचा और एक्सपोर्ट किया, वो तो कोई फर्म नहीं है ना, डी तो फर्म है, तो वो लिख दो फटाफट से हैं, परचेजेस फ्रॉम सी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े। चलो देखो, बोलो डी ने बेचा 300 करोड़ का हाउस होल्ड को और 100 करोड़ का गवर्नमेंट को। इधर देखना, 300 करोड़ का हाउस होल्ड को और बाबू गवर्नमेंट को बेचा 100 करोड़ का। स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, मैंने माइनस नीचे कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ गवर्नमेंट। बस क्वेश्चन खत्म, समझ नहीं आ रहा बाबू, कर लो प्रोपेयर। ठीक है, वैल्यू एडेड आ गया, ए का बी का सी का डी का। सेकेंड पार्ट में पूछा था टोटल वैल्यू एडेड, इन सब का टोटल कर लेना, टोटल वैल्यू एडेड। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इधर देखना, पर ना थर्ड पार्ट टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इधर देखना मित्र, क्वेश्चन है पूछा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बाबू इकोनॉमी का ओनली प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज, कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? चार, नाम बताना, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। क्या हो गया तुम्हें? पहला चैप्टर करके बोल दिया, क्या थोड़ा बताओ, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, ओनली प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इकोनॉमिक्स। हाँ, बाकी सब क्या है? कंज्यूमिंग सेक्टर। हम ज्यादातर दोस्त को कंज्यूमिंग सेक्टर मानते हैं, एक हाउस होल्ड और एक गवर्नमेंट, सब कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जहां जहां भी गवर्नमेंट ने खरीदा है आपसे, जहां जहां भी हाउस होल्ड ने खरीदा है आपसे, सब कंजम्पशन है। एक इधर देखना, आपने हाउस होल्ड को बेचा, कंजम्पशन है, आपने हाउस होल्ड को बेचा, हाउस होल्ड ने तो खरीदा, आपने गवर्नमेंट को बेचा, गवर्नमेंट ने तो खरीदा, इन पांचों का टोटल कर दो 590, यही का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इलस्ट्रेशन 17 to 19, मतलब तीन इलस्ट्रेशन, 17, 18, 19 और 12, ये करके रखेंगे आज के लिए, इतना ही कहने बच्चों, बाय।